गाइस गाइस मतलब तुम इनसे मिलो यार yes. सब मेरे से बाद में मिलना, इससे नहीं मिलना। ये बहुत ही ज़्यादा अक्रूर इंसान है, और इतना अक्रूर इंसान है ना, इस ऐसे लोग आप पसंद करना पसंद करेंगे इनके। बट करना, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग ब्लॉग्स बनाने में, आपको पता है कहाँ 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 जाते हैं। चलो इस बार कहाँ बोल देते हैं, कुछ ज़्यादा हमारा कहाँ 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 जाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह की शुरुआत के साथ धीरज भाई के साथ, और अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ ब्लॉग कल वाला, क्योंकि कल रात थोड़ी नेट का इशू था, तो मैं वाईफाई चल रहा था पीजी का, तो मैं कर नहीं पाया, अभी ब्लॉग डाल रहा हूँ। इस ब्लॉग को आई होप कि आप जैसा तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों सतीश भाई आने वाले हैं चाय वाय लेके, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो दोस्तों आपको अगेन गुड मॉर्निंग, चाय का मजा लिया जा रहा है यहाँ पे। मतलब बिना चाय के ना हमारी सुबह नहीं होती। बाकी धीरज भाई भी अपनी ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, गर्म पानी में लगा दिया है, ब्लॉग भी अपलोड हो गया है। तो जाके दोस्तों उस ब्लॉग को जल्द से जल्द देखो, और प्लीज़ यार आप लोग शेयर नहीं करते यार, इतना कम व्यू आ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा घर भाई? थोड़ी शेयर करो, इधर उधर पटक के फेंको उसको, तभी जाकर तो व्यू आएंगे, है क्या नहीं? दोस्तों अभी हाल ही में धीरज भाई के घर में बड़े भाई की शादी थी, तो घर से बिहार में बनता है कुछ इस टाइप सा, पता नहीं कुछ नाम है इसका, पापड़ी कुछ ऐसी इस टाइप का नाम है, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, और धीरज भाई को भी याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये खाने में बड़ा टेस्टी है, और मतलब ये है ना कि ज़्यादा मीठा भी नहीं है, मतलब शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं उसको। मतलब बिहार की स्वीट डिश है शादी मुझे बनती है, और होम मेड हो भी बहुत टेस्टी है। चलो बाय, मिलते हैं बहुत दिनों बाद। तुम मोए में प्रिय दर्शनियों के साथ जाओगे, अपने प्रिय दर्शनियों के बीच में रहोगे। चलो ठीक है, ओके बॉस, ओके बॉस। तो दोस्तों फाइनली हो चुका हूँ मैं रेडी ऑफिस के लिए, अब सीधे निकलता हूँ। थोड़ी सिस्टम बंद कर दो अपना, होने दिन भर खुला जाएगा ये, तो कल मैं ऐसी बोली चले गया था। तो आज का तुम्हारे भाई का ड्रेस कोड है ये, तो तुम्हारा भाई जाएगा ड्यूटी। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे सीधे ड्यूटी में, आने जाने काम कितना होगा ये वहीं जाकर देखना पड़ेगा। You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. So love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do. तो दोस्तों finally पहुंच गया हूँ मैं ऑफिस, धीरे-धीरे जा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से पहुँचा यार। पहला पैर में दर्द ठीक नहीं हो रहा अभी भी, पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ पहले यार, मैं अच्छे से राय के बाद जरूर दिखाऊंगा, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है बार बार इसमें। आज गुड मॉर्निंग, बढ़िया और बोल रहे कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग भैया, हाउ आर यू? वेल, यस। गाइस गाइस मतलब तुम इनसे मिलो यार, मेरे सब मेरे से बाद में मिलना, इससे नहीं मिलना। ये बहुत ही ज्यादा अक्रूर इंसान है, और नहीं अक्रूर इंसान है ना, इस ऐसे लोग आप पसंद करना पसंद करेंगे इनके। बट करना, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग ब्लॉग्स बनाने में, आपको पता है कहाँ 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 जाते हैं। चलो इस बार कहाँ बोल देते हैं, कुछ ज्यादा हमारा कहाँ 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 जाते हैं। दोस्तों मैं पहले ये बताया था, इनका जो रिसेप्शन लाइन का सिस्टम होता खराब, तो मेरा UPS CPU उन्होंने यहाँ पर रखा है, इस हफ्ते में जो सिस्टम ख़राब हुआ था तो मेरा CPU उन्होंने लगाया था। तो हम सब आज हम तीनों के तीनों बैठ के एक साथ काम कर रहे हैं, जिंदगी में पहली बार मैं इनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको हमारे साथ काम करके? वेरी गुड, यू ऑल आर इट्स नॉट माय फेवरेट है क्या? It's not pleasant. It's not my pleasure. Yeah.
होगा नहीं होगा होगा क्या होगा क्या होता है मैंने यही बोला ऐसा नसीब नहीं मिला मेरा सीखो तुम्हें मिला तुम काम कर रहे हो हमारी यही खराब तो है क्यों जिसने बताया वो ले गया दोस्तों फाइनली हो चुका हमारा लंच टाइम और हम खाएंगे खाना भैया टिफिन खोल क्या रखा पहले देख अरे जींस बाद में देखना टिफिन खोलो अरे कह रहे हाफ हाफ होगा पहुंच चुका हूँ दोस्तों मैं घर और अभी चल लिया हम शाम की चाय धीरज भाई की और मेरी और चाय वाय पीते हैं फिलहाल फिर कहते हैं भाई का इंतजार फिर आया खाना तो आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में मट्ठे और चाय का मजा दोस्तों अलग ही है मैंने दोस्तों आज डॉक्टर अक्षत मित्तल सर आते हैं हमारे यहाँ तो उनको दिखाया था पैर अपना तो वो बता रही थी कि इसमें हड्डी से रिलेटेड कोई चोट नहीं है खाली मांस में शायद गुम चोट वगैरह है तो उस चीज़ के लिए कह रहे थे मुँह वगैरह लगाओ गर्म पट्टी बांधो हो जाएगा ठीक बाकी 2 दिन का रेस्ट होता है कि प्रॉपर रेस्ट हो पैर को अच्छे से तो मुझे लग रहा है 2 दिन हम नहीं जा पाएंगे फिर से मॉर्निंग वॉक पे बीच में 4-5 दिन गैप हो गया तब उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों फाइनली खाना वाना हम सब ने खा लिया है मैंने धीरज भाई ने और अब फाइनली हमारे भी सोने की तैयारी दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ यार आपसे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप शेयर नहीं करते अपने स्टेटस में एक बार एक दिन के लिए लिंक ज़रूर लगाएं ताकि यार आपका भाई आगे ग्रो कर सके दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।